मंडी को जमीन से निकालते हैं, इसके रुपए गिनते हैं और फिर उसे और रुपए जोड़ देते हैं। ये सब है क्या भैया? अरे पगली, ये बैंक है, बैंक। इसमें अकाउंट है तेरी शादी का, तेरी शादी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ मैं। एक भाई का फर्ज निभा। ये क्या है भैया? ये हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है, वो हमेशा पहना करते थे। नहीं भैया, कल तक इसे हमारे पिताजी पहना करते थे, लेकिन आज से मेरा भैया पहनेगा। चल जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लगी। कोई बेटी अपने बाप का भी इतना ख्याल नहीं रखती होगी जितना तू मेरा ख्याल रखती है। अच्छा बाबा, भैया जब कई कई दिनों के लिए गांव से बाहर चले जाते हैं तब मेरा कौन ख्याल रखता है? आप ही ना। बेटी, जब से मैंने अपनी बेटी को खोया है ना, तुझमें ही अपनी बेटी की शक्ल देखा करता हूँ। बाबा, जो नहीं है उन्हें याद करके दुखी मत होइए, बल्कि जो है उन्हें देखकर खुश होइए। इतनी सी है और उपदेश इतने बड़े बड़े देती है। अच्छा बाबा, आप खाना खाइए, मैं चलती हूँ। अरे सुन। जी बाबा। अपने भैया से कहियो कल शहर जाने से पहले मुझे चौक पे मिले। अच्छा। गांव में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, उसे सुलझाना है। दे दूंगी। भाइयों, इस साल तो एक भी बूंद पानी नहीं बरसा, गांव के सारे कुएं सूखे पड़े हैं, बस एक ही कुआं रह गया है जिसमें थोड़ा सा पानी है। उसका पानी तो तले में बैठ गया है, एकदम मटियाला पानी रह गया है। और वहाँ लंकेश्वर के इलाके में हरियाली ही हरियाली है, उसके सारे कुएं लबालब पानी से भरे रहते हैं और इतने बड़े पानी की नहर भी सिर्फ उसी के इलाके में बहती है। राजेश्वर, लंकेश्वर तो तुम्हारा भाई है ना? अरे नाम मत लो उसका, तुम क्या समझते हो कि मेरे कहने पर वो गांव को अपने कुएं का पानी दे देगा? अरे चाहे सारा गांव भूखों मर जाए, प्यासा मर जाए, एक बूंद भी पानी नहीं देगा वो। उसकी इस बेरहमी और अहंकार की वजह से मैं उसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ उससे। राजेश्वर, राजेश्वर, भूल जा अपने उस गुस्से वाली भावना को गांव की भलाई के खातिर और चल दे उस लंकेश्वर के मकान की तरफ। कोई फायदा नहीं मुखिया। राजेश्वर भैया, अपने गांव के लिए थोड़ा सा पानी मांगना, इसमें बुराई क्या है? अरे विनती करेंगे उससे पानी के लिए, कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं। जो आप सबकी राय है वही मेरी राय है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ठाकुर साहब से मिलने। ठाकुर साहब छोटे लोगों से नहीं मिलते। खामोश, वरना हलक से जबान उखाड़कर कुएं की चरखी पर लटका दूंगा। जाकर बोल के उसका भाई राजेश्वर मिलना है उसको। चल। राजेश्वर आया परमेश्वर, हम पानी का पहरा छोड़कर नहीं जा सकते। वाह वाह, नेताओं का कुर्सी पर कब्जा देखा, गुंडों का जमीनों पर देखा, लेकिन पानी पर कब्जा, ये पहली बार देख रहा हूँ। खैरियत से लौट जा वरना कुचल दिया जाएगा। हम लोग ठाकुर साहब से बात करने आए हैं। ठाकुर साहब फिजूल की बातें नहीं सुनते। मगर हम गरीबों की मजबूरी तो सुन सकते हैं। मेरा बच्चा मटियाला पानी पी पी कर बीमार हो गया है। ये देखो, वहां हम लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं और यहाँ तुम लोग एक जानवर को पानी से नहला रहे हो। अरे जानवर नहीं, वो ठाकुर साहब की रानी है, ठाकुर साहब उसी का दूध पीते हैं। हम उसे दूध से नहलाएं या पानी से? ये क्या कर रहे हो? मुझे नहीं, अरे मर जाएगा। हम हैं ठाकुर लंकेश्वर, ये है हमरी लंका और हम हैं ई के ईश्वर। वाह वाह रे जवान वाह, मजा आई गवा, का जोश है का जवानी है,
और जो उनके लिए लड़ाई है उसका नाम पानी है। ठाकुर साहब, लड़ाई तो दौलत और जायदाद की होती है, पानी पर कैसी लड़ाई? भैया, हम लड़ने नहीं, पानी मांगने आए हैं। राजेश्वर, सकल तत्वों का भगवान ने हम रीति है, मगर किस्मत किस्मत किसी बदनसीब का तोरी नसीब मसल टाई दी है। भैया, मैं गरीब सही, बदनसीब सही, भिखारी समझकर पानी की भीख हम गांव वालों की झोली में डाल दो। अरे हम तो सारा कुआं सारा तालाब गांव मसल टाई दे, हमका कोनो ऐतराज नहीं। ले जा, जितना पानी चाहिए ले जा। धन्यवाद ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। भैया, आपने तो गांव का कल्याण कर दिया। साहब, ये क्या? ए मरदवा, तू तो हमारी अधूरी बात सुनते ही दाम बिना काम शुरू कर दिए। दाम? पानी मन में आए उतना ले जाओ, मगर हमरे हिसाब से। वो पानी के बदले गांव की जमीन हमरे नाम कर जाओ। इस हाथ दो, उस हाथ लो। नहीं बेटे, एक बीघा जमीन 100 बाल्टी पानी, 1000 बीघा जमीन 1,00,000 बाल्टी पानी। ओ, तो तू कौड़ियों के दाम गांव वालों की जमीन अपने नाम करवाना चाहता है ठाकुर? क्या करें, हम तो बिजनेसमैन हैं। ठाकुर, जमीन की कीमत पानी से लगाता है तू? ये दुनिया में कोनो चीज की कोनो कीमत नहीं, जिस चीज की जरूरत बस उसी की कीमत। कोनो माई का लाल अपना सारा खून बहाए कर भी यहां से एक बूंद पानी नहीं ले जा सका। नहीं विजय, नहीं, तू इसके मुंह मत लग बेटे। विजय, मत कर, मत कर, ये मार डालेगा तुझे। बात सुन, खुदा के कहर से डर, ईश्वर से डर, उसकी लाठी पे आवाज होती है। जो सर उठाकर चलता है वो मुंह के बल गिरता है। याद रख, इन प्यासों की आहें, इन गरीबों की बद्दुआएं तेरी जिंदगी से तेरी खुशियां छीन लेंगे। ये एक फकीर की बद्दुआ है, तू मौत की भीख मांगेगा, तुझे मौत नहीं मिलेगी, ये मेरा श्राप है। चल बेटा, चल चल। सल्टा ही देंगे, सल्टाई देंगे सारे गांव की जमीन का मामला, क्योंकि हमरे खून में छिपा है क्रोध का भंवर। दुनिया हमका कहती है लंकेश्वर, ये है हमरी लंका और हम हैं ई के ईश्वर, लंकेश्वर। विजय, कहा था ना मैंने कि वो बड़ा कमीना और नीच है, वो हमें एक बूंद भी पानी नहीं देगा। अरे आज तक किसका भला किया है लंकेश्वर ने जो इस गांव का भला करेगा? बेटे, मैं मानता हूँ कि उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन एक दरवाजा खुला है और वो है कलेक्टर का दरवाजा। अगर वो सरकार की तरफ से गांव में एक ट्यूबवेल लगवा दे तो ये पानी की समस्या दूर हो जाएगी। मुखिया, इन बड़े लोगों से मिलने के लिए बड़ा वक्त लगता है। वक्त वक्त तो तकदीर के पास भी नहीं है राजेश्वर भैया, जो इस गांव की तरफ मुड़कर देख सके। वक्त से लड़ना है और कलेक्टर से मिलना है। पांच बज चुके हैं, अब कल आना। साहब, साहब प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए साहब। 5 बजे के बाद तो मैं भगवान की भी नहीं सुनता साहब। हाँ साहब, कलाज करते करते महीनों गुजर गए, हमारे गांव पर तरस खाई है साहब। मैं भी कुछ नहीं कर सकता साहब। साहब मान लीजिए कि अभी 5 नहीं बजे हैं। अजीब आदमी हो, सामने दिखाई नहीं देता, 5 बज चुके हैं।
अरे 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 ये क्या कर रहे हो? सुनो, अरे अरे अब जब तक पांच नहीं बजेंगे मैं आपको यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारे गांव के लिए एक ट्यूबवेल साहब। साहब आपको तो पता है कि 3 साल से गांव में पानी नहीं बरसा और तो के पैरों में छाले पड़ गए हैं पानी लाते लाते, और अब वो कुएं भी सूखने को आ गए। साहब सारा गांव परेशान है कलेक्टर साहब, और आपकी सरकार एक ट्यूबवेल नहीं लगा सकती? सिर्फ कह देने से ट्यूबवेल नहीं लगता। तुम्हें पता है एक ट्यूबवेल कितने का आता है? 30,000 का। और ट्यूबवेल लगवाने हैं 1,00,000। 1,00,000 ट्यूबवेल आते हैं 30 करोड़ के, और 30 करोड़ अभी सरकार के पास नहीं है। जब आ जाएंगे तब लगवा देंगे ट्यूबवेल, ये मेरा वादा है। मैं समझ गया साहब, आपके बाकी 5 बच चुके हैं, अब जाइए साहब। अरे वो देख, आज विजय को क्या हो गया? अरे चल देखते हैं, चल देखते हैं। अरे विजय क्या हुआ तेरे को? अरे यार उदास है क्या? बोल रहे यहाँ पे, बोल यार, अरे बोल रहे यार, अरे विजय बोल रहे।